हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप्स आप एकदम बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पर सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए फार्मर रिलेटेड न्यू जॉब वैकेंसीज या फिर न्यू अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। आज हम लोग फिर से बात करें किसके बारे में, ECHS की, जो हमारी वेरियस फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकली हुई थी। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इसी वैकेंसी के बारे में बात की थी, बट आज की इस वैकेंसी में हम लोग कुछ खास बात आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, जो जिससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के अंदर जाते हैं, तो आपको ये पूरा का पूरा नोटिस ओपन हो जाएगा। आप इसमें थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंट सेक्शन दिखाई देगा, किसका, कोलकाता का। कोलकाता वाले सेक्शन में सबसे ऊपर वाला अगर जो आप ओपन करते हैं, सबसे ऊपर अगर जो आप ओपन करते हैं तो आपको इस प्रकार का PDF आपको शो होगा। मैंने PDF ऑलरेडी सेपरेटली ओपन करके रखा हुआ है। अब जो मेन क्राइटेरिया है वो स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए फार्मासिस्ट की अगर जो मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की वेरियस वैकेंसीज यहाँ पर कितनी है, 2 वैकेंसी है। बट अभी वीडियो को छोड़ करके मत जाएगा कि 2 वैकेंसीज है खाली, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला है कि अलग अलग वहाँ पर क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं अलग अलग फोल्डर्स में। कल की जो लेक्चर हुआ था, जो कल मैंने वीडियो बनाया था, उस पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आई हैं। बट मैटर क्या करता है, मेनली आप यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बी फार्मा और 10+2 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी है ना, और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है कितना, 3 साल का। अगर जो आप डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो मिनिमम आपको क्या है, 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट बोलते हैं कि बी फार्मा और डी फार्मा यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी में कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, देखिए आप मैक्सिमम जॉब्स में क्या देखेंगे, मैक्सिमम जॉब्स में आप यही देखेंगे कि बी फार्मा के फ्रेशर कैंडिडेट्स और डिप्लोमा इन फार्मेसी के एक्सपीरियंस कैंडिडेट को इक्वली क्या है, ट्रीट किया जाता है। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए कि बी फार्मा और डी फार्मा दोनों कैंडिडेट्स सेम रहते हैं। आपने 4 साल अगर जो बैचलर इन फार्मेसी करने में दिया है तो आप क्या है, एक फ्रेशर के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं वो एज एन एक्सपीरियंस होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, बट कुछ जॉब्स में ऐसा भी रहता है कि दोनों के दोनों फ्रेशर्स ही अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ मैं ये मानता हूँ कि डिप्लोमा और बैचलर दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट होना चाहिए। जो जॉब वैकेंसीज में बी फार्मा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं हायर पोजीशन वाली, वहां पर डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं होने चाहिए, ये डिफरेंशिएशन गवर्नमेंट को करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर देखिए अगर जो मैं ग्रेड पे की बात करूँ, पर मंथ कितना रहने वाला है, अगर जो हम लोग बात करें सैलरी की, तो 28,100 रुपये पर मंथ सैलरी होने वाली है। जो फॉर्म था वो मैंने पूरा का पूरा PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा ही दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों को करना है, उसमें मैं आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट डेट जैसे कि इसकी भी क्या है, 15 फरवरी है अप्लाई करने के लिए, तो वो सारा का सारा क्राइटेरिया हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया, तो जाकर के फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और एप्लीकेशन और वेबसाइट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम, एग्जिट एग्जाम, बी फार्मा डी फार्मा के सेमेस्टर वाइज कोर्सेज, ईयर वाइज कोर्सेज, सब कुछ हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप जाकर के एक बार ही विजिट कर सकते हैं। टिल देन मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।